जैसे कोपेनहेगन एक शहर है, इसी तरह ये ईसा एक शहर है। सो ये ईसा का एक बड़ा सा सेंटर है ये। और अगर आप यहाँ पे, मैं आईफोन के मैप में दिखाता हूँ, आप गूगल में भी जाके गूगल मैप पे देख सकते हैं, या एंड्रॉयड के फ़ोन जो हैं उनमें भी ये जगह देख सकते हैं। जैसे कोपेनहेगन एक शहर है, इस तरह ये भी एक शहर है। और कोपेनहेगन कैपिटल सिटी है और ये ईसॉय कहलाता है, और ये इसका बहुत बड़ा सेंटर है। ज़्यादातर तुर्क फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं। ये बिल्ड का सुपर मार्केट है यहाँ पे, 7 to 23 ये खुलती है, यानी 7 से 11 बजे तक। ये बड़ा सेंटर है एक, और ये ईसॉय में है। ये ईसॉय का जो शहर है उसकी साइड में है ये, आगे उसका आप देख रहे हैं शहर है, और ये ईसॉय के शहर में एक साइड पे है। ये इसका दूसरा पोर्शन है। यहाँ पे सीधे चले जाएंगे तो आप हाइट ऑस्टॉप एक शहर है वहाँ चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे ये ईसॉय का शहर है, इसका सेंटर है, और उसके बाद उसका शहर है। से ईसॉय के शहर से मैं ये मोटरवे लूँगा कोपेनहेगन की तरफ। ये खसनहाउन का एक पुराना सा इलाका है। सड़क इसके देखें ईंटों से बनी हुई है, और यहाँ पे ऊपर इसके जो है फुटपाथ यहाँ पे है, ऊपर भी एक सड़क बनी हुई है। इसका मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, ये आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जगह जहाँ स्पॉट बना हुआ है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, खसनहाउन का इलाका है ये। ये कोपेनहेगन के अंदर ही इलाका, इसमें खसनहाउन ये जगह का नाम है। ये मैप है इसका, अब इस टॉप स्पॉट पे मैं हूँ, और यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये बनी हुई है। ये इसके साइड्स हैं, ये उसी बिल्डिंग की बैक साइड है। इलाका आपको पता है खसनहाउन में है, इलाका भी खसनहाउन है, और इसमें ये प्राइवेट बोट्स हैं, बहुत सी बड़ी बोट्स हैं, और इसमें ये है कि फैमिलीज की बोट्स हैं कुछ, और कुछ अकेली बोट्स भी हैं। ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और ये जब इन्होंने इस्तेमाल करनी होती हैं वो यहाँ से उनको ले लिया जाते हैं। ये इलाका वही खसनहाउन का है, और ये और भी काफ़ी बोट्स यहाँ पे हैं, ये सारी उस तरफ जितनी भी बोट्स हैं ये सारी प्राइवेट हैं, इन्होंने रखी हुई हैं, फिर जब इन्होंने इस्तेमाल करना होता है इनको, और इसमें सब कुछ है इनकी ज़रूरत के लिए, सब कुछ है यहाँ पे अंदर। इसके किचन भी बना हुआ है इस बोट में, देखें किचन भी बना हुआ है यहाँ पे अंदर, उसके
किचन है पूरा और साथ में कमरा है, बेडरूम छोटा भी है और नीचे भी इसके जो है वो बने हुए हैं, और ये यहाँ अगर बाहर बैठे बैठे हो उसके लिए भी है। वो मुख्तलिफ टाइप की शिप्स हैं, वो डिफरेंट टाइप शिप्स हैं, ये देखें यहाँ पे भी है। सारी यहाँ पे जो है बहुत पुराना एरिया ये कसन हाउन, ये सारी शिप्स यहाँ खड़ी हैं, ये यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे दूर तक की सारी पट्टी जो है इनकी शिप्स की है। यहाँ पे इन्होंने अपनी पार्क की हुई हैं शिप्स, जब इन्होंने इस्तेमाल करनी होती हैं यहाँ से, ये इजी होता है, पानी के अंदर ही होती हैं तो इनको यहाँ इससे वो फिर ले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने जाना होता है। ज़्यादातर ये होता है कि स्वीडन की तरफ जाते हैं, इलाका ये वही कैस्टन हाउन है, इसमें ये बहुत पुरानी सी शिप्स खड़ी हुई है, इसमें रेस्टोरेंट बना हुआ है और ये यहीं पे फ्लोट होती रहती है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कई शिप्स खड़ी हुई हैं, ये इसके नीचे जो है दूसरी साइड पे भी कुछ और शिप्स हैं, और इस तरफ ये देखें ये और भी हैं शिप्स, ये यहाँ पे और भी काफ़ी शिप्स खड़ी हुई हैं। ये खसनाउनी का इलाका, इसमें ये एक स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने, ये स्टैचू सा बना हुआ है, और इसके दूसरी तरफ वो आपको नज़र आएगा सामने वो ब्रिज है, वो सिटी का एरिया शुरू होता है, और यहाँ पे भी ये ब्रिज है इस साइड पे भी, और ये ब्रिज खुल जाता है जब कुछ शिप्स यहाँ से गुजरती हैं तो ये ऊपर हो जाता है और ट्रैफिक रुक जाती है, उसके बाद शिप चली जाती है तो ये नीचे फिर डाउन हो जाता है। और ये फ्लैग इसका डेनमार्क का लहरा रहा है यहाँ पे, इस पीछे का ये जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ और ये पीछे की साइड, ये सारे खसनाउन है और आगे उस ब्रिज से आगे सिटी का एरिया शुरू हो जाता है। और ये कैनल है काफ़ी, इसमें शिप्स चलती हैं, जब मौसम अच्छा होगा तो यहाँ पे शिप्स होंगे ज़्यादा। सामने वो जो सफेद शिप खड़ी हुई है उसमें रेस्टोरेंट है, और ये यहाँ यहीं पे फ्लोट होती रहती है, खड़ी रहती है। ये वही खसनाउन का इलाका है, ये एक दूसरी यहाँ पे कैनल है, और सामने एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, और यहाँ पे जब अच्छा मौसम होता है तो लोग यहाँ पे बैठते भी हैं बाहर, उनके लिए स्टूल भी बने हुए हैं।